जाऊंगी बेटा। माँ बसे हमारे पास हिंदू मुस्लिम चाची आप भी लेंगे? नहीं नहीं, मैं खा के आई हूँ। क्या बात है दीदी, आज बहू बहुत जल्दी में लग रही है। पढ़ा जो रही है अपनी लाडली को। कमबख्त क्यों कोस रही हो दीदी, मेरे तो भाग ही फूटे थे। जो मैं भी अनपढ़, बेटा भी अनपढ़, हाय रे किस्मत, अब बहू भी अनपढ़ निकली। आपको तो खुश होना चाहिए दीदी कि आपकी बहू आपकी पोतियों को पढ़ा रही है। खुश? और मैं? अरे इन कर्मजलियों को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना है क्या? पहले इनकी पढ़ाई में पैसा बर्बाद करो, फिर शादी में दहेज दो। करम फूटी, एक पोता पैदा करके दे देती तो कम से कम बुढ़ापे का सहारा तो बनता। ये कहानी तब की है जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। एक दिन वे इस देश में व्यापार करने आए थे। क्या कर रही है मुन्नी? दूध पी ले, दूध पी ले, दूध पी ले मेरी प्यारी। बच्ची के मुंह से दूध छीनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जुबान चलाती है। चूहियों को दूध पिलाने के लिए पैसे हैं और मेरे दारू के लिए नहीं। मैंने मना किया था ना, फिर भी बारों के लिए तुम किताबें लेकर चली आई। क्या मिलेगा इन्हें पढ़ा लिखा कर? जवान होगी, शादी करेगी और फिर तेरी तरह चूल्हा फूकेगी, बर्तन मांजेगी और मार खाएगी। मैं इन्हें अपनी तरह जिंदगी जीने नहीं दूंगी। फिर क्या, पढ़ा लिखा कर इन्हें महारानी बनाओगी? अरे पढ़ाने का इतना ही शौक है तो अपनी काली कोख से बेटा पैदा कर। बेटा पैदा किया भी तो तीन तीन बेटियां, मतलब एक अंधेरा कुआं। तीन तीन बेटियां मतलब एक अंधेरा कुआं? छी, कैसी सोच है तुम्हारी। शायद तुम भूल गए कि ऐसे ही एक अंधेरे कुएं की कोख में तुम भी कभी 9 महीने रहे थे। माँ ने मर्द पैदा किया है, मर्द। कैंची की तरह चलने लगी है, इसे हलक से काट कर बाहर रख दूंगा। समझ गई? अब तेज से बहाना बंद कर, जा मेरे लिए गिलास ले आ। जा, उठ उठ, गला सूख रहा है मेरा, सुबह से एक बूंद भी नहीं पी। मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे मैं तो कहती हूँ अगर पोता पैदा नहीं कर सकती तो विदा ले यहाँ से। मैं कम से कम अपने वीरेन की दूसरी शादी तो करवा सकती हूँ। ना दीदी, ऐसा गजब ना करना। उस दिन तुमने तो सुना नहीं, मुगेर सेठ ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कर ली तो उसे सजा हो गई। लोग कहते हैं पहली पत्नी से तलाक लिए बगैर दूसरी शादी करना अपराध है। तो क्या बगैर तलाक के दूसरी शादी नहीं हो सकती? खाली उस हालत में हो सकती है दीदी अगर पहली पत्नी की किसी वजह से मौत हो जाए। चाय, दारू की जगह चाय। चल पैसे निकाल, निकाल पैसे। पिछले 2-3 दिनों से बिक्री कम हो रही है, पैसे नहीं। चालाकी करती है। चल चल निकाल पैसे, निकाल पैसे। वरना क्या, वरना क्या मार डालोगे? इस नरक से मुक्ति का यही है उपाय, मार डालो। मारूंगा, जरूर मारूंगा, पर तुझे नहीं, तेरे इन चूहियों को जिनमें तेरी जान बसी है। वो नहीं होगी तो तू खुद ही घुट घुट कर मर जाएगी। मेरी बच्चियों को हाथ भी लगाया तो जान से मार डालूंगी तुम्हें। लगता है
पिछली बात भूल गई, तभी जबान फरफरा रही है। तू नहीं जानती कि तेरा पति क्या कर सकता है और क्या नहीं। एक नमूना अभी दिखाता हूं। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। ये पूरा बोतल छिड़क दूंगा इस पे और आग लगा दूंगा। तू जैसे औरत को अपने पांव के नीचे रखने का यही एक तरीका है, समझ गई ना? प्रयोग द्वारा शुरू करने की ध्वनि सुनने के लिए माँ। बच्चों, हो गई अपने इम्तिहान की तैयारी? जी माँ। प्रयोग द्वारा दो छोटे कागज। चलो चलो, देर हो रही है, चलो अच्छी से देना, ठीक है? हाँ चलती चल। टंकी दिखाने, रंग जमाने। पी और पी ले, जल्दी बर्बाद होने की पूरी तैयारी कर ले। पर सुन ले, बर्बाद होने से पहले मेरी जान ले ले। बिना पोते के हमारे वंश का अंत तो हो ही गया ना। अरे वो करमजली बेटा पैदा नहीं कर सकती, तो तू दूसरी औरत ले आ। दूसरी औरत? देख, मेरे मन में एक विचार आया है। पड़ोस वाले गांव से एक रिश्ता आया है, पैसा भी खूब मिलेगा, लड़की थोड़ा सा ऊंचा सुनती है, बाकी सब ठीक ठाक है। कैसी बातें करती हो माँ, क्या तुम भूल गई पिछले महीने मुंगेरी सेठ वाली कहानी? तू उसकी चिंता मत कर, मैंने सारा रास्ता सोच लिया है। तू इधर आ। खाना नहीं खाओगे? नहीं, खाना बाहर खाएंगे, दारू पियेंगे और नौटंकी देखेंगे। दरवाजा बंद मत करना, जब मन करेगा तभी आऊंगा, समझ गई ना? पास के गांव में नौटंकी देखने जा रहा हूँ। रात होते ही बिजली की आंख में चोली शुरू, पता नहीं अब दो तीन घंटे बाद ही आएगी। सो जा बेटे, माँ खाना खा रही है। उफ, नहीं गर्मी। हाँ सो बेटे, गया तुझे, सो जा। चल तू खाना खा ले, इसे मैं संभालती हूँ।
हो मेरे घर में आ गए। भगवान का शुक्र है कि मेरी पत्नी बच गई। अरे सुबह को कमला चाची का जो चीख सुनकर इधर आ गई, वरना गांव वाले तो लड़की देखने में लगे हुए थे। जल्दी करो जल्दी, तूने तो बहुत मेरा घर बर्बाद होने से बचा लिया। चाकू रखे साईया, मार सके ना कोई, इसे फौरन डॉक्टर के पास लेके चलो। देखो मेरे घर के पास गाड़ी लगी हुई है, इन्हें जल्दी ले चलो, जल्दी जल्दी। मैंने कहा था चलो बच्चो, अगर किसी से कुछ कहा तो तुम्हारे तीनों बच्चियों को मार दूंगा। दस का तेल लेना। हाँ भैया, पकड़ना जरूरी है। ये लो भैया। हाँ जी, दस का तेल। दस का बाबू जी। कैसी हो देवकी? अच्छी हो दीदी। ये दो पैकेट मोमबत्ती के दे दो। हाँ दीदी। बच्चे पढ़ना खूब। माँ देखो मेरी कॉपी। अरे वाह, तूने तो बहुत जल्दी सारे सवाल हल कर दिए, बहुत अच्छा। और देखो तो जरा, तूने क्या बनाया है? माँ मैंने बाबूजी की तस्वीर बनाई। ऐसे है तेरे बाबूजी? देखो जरा मैं कैसा लगता हूँ। अपनी तरह काम काज के लायक बनाओ इन्हें, ताकि ये कुछ कमा धमा सके। चल पैसे निकाल। राशन का सामान आना है। घर का राशन बाद में, पहले घर वाले की पोतल। चल चल पैसे नहीं दूंगी। मेरे भाई क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है जग्गो, लोग पैसे खर्च करके मुसीबत टालते हैं और हमें मुसीबत टालने के मुसीबत टालने के बदले पैसे मिलेंगे, यानी सोने पे सुहागा। तो सेठ जी को कब ले आऊं? मेरी भला से आज ही ले आ, लेकिन 3,000 रुपये तो मिलेंगे ना। अरे क्यों नहीं, बेचारा कई सालों से तड़प रहा है संतान के लिए, बच्चा पाकर वो मुंह मांगी रकम देगा। पर बड़ी बच्ची को अपने माहौल में ढालना जरा मुश्किल होगा उसके लिए, इसलिए जो सबसे छोटी हो उसी को दिखाना, ताकि ज्यादा पैसे मिले। फिक्र मत करो, छोटी वाली अबे बहुत छोटी है। हाँ, हाँ, हाँ। उसे ही दिखाऊंगा। हाँ। खूब माल खाऊंगा। अभी तो वो बहुत छोटी है। देवकी 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 जल्दी कर, जल्दी कर, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जा, इतने पहले की तरह पति यहाँ जाए। माँ माँ कहाँ जा रही है? घर का रास्ता तो उधर है, उधर। बताती हूँ क्या बात है, तेरा पति तेरी छोटी बेटी को 3,000 में बेच रहा है। क्या? मैं मीनाक्षी दीदी के पास जाती हूँ, वही कुछ कर सकती है। अच्छा तू भाग, बच्चों को मैं संभालती हूँ। चलो बच्चों जल्दी करो। दीदी दीदी दरवाजा खोलिए। दीदी 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 दरवाजा खोलो। दीदी 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 तुम इस समय यहाँ, और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे को जमना चाची की वहाँ छोड़ा है दीदी। मुन्नी को
3000 रुपए में बेचने वाला था दीदी। क्या? जमुना चाची ने बताया मुझे। तुम यही रुको, मैं अभी बच्ची को लेकर आता हूँ। दीदी पहले तुम सांस ले लो, अंदर चलो। पहले दरवाजे पर कुंडी लगा दीजिए दीदी। चलो आराम से बैठो। पहले तुम पानी पी लो, फिर पूरी बात विस्तार से बताना। बेखबर सो रही होगी। शादी के बाद पहले पहले थोड़ा बहुत तो मुझे प्यार मिला वीरेन से, लेकिन जैसे जैसे बेटियां पैदा करती गई उसके तो तेवर ही बदलते चले गए। पहले सास के ताने, फिर पति की गाली गलौज, मार पीट, अब तो अब बच्चियों पर भी अत्याचार। रोज रोज यही होता है दीदी, यही होता है रोज रोज। बस करो, हिम्मत करो देवकी। साली भाग गई, पर भाग कर जाएगी कहाँ? हैवानियत की सारी हदें पार करने वाले ऐसे इंसान को आजाद रहने का कोई हक नहीं है, उसे सजा मिलने ही चाहिए। पता नहीं तुम उसे सजा दिलवाने से कतरा क्यों रही हो। भाग गई? हाँ भाग गई, उधर से भाग गई। अक्सर हम भारतीय नारियां भावनाओं के समंदर में बहकर पति परमेश्वर की गलतियों पर पर्दा डाल देती हैं। पति को इज्जत देना अलग बात है, लेकिन आंख मूंद कर उनके अत्याचार सहन करना बहुत बड़ा पाप है। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ बीती है मेरी बच्चों के साथ कभी बीते। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, क्योंकि 8वीं पास का जमाना नहीं है। अब ठीक कह रही है दीदी, इज्जत की जिंदगी तो सिर्फ पढ़ाई से ही मिल सकती है। शाबाश देवकी, तुम समझदार हो। तुम्हारा पति भी अगर पढ़ा लिखा होता तो शायद वो इतनी बेहूदगी ना दिखाता। कोई, दीदी क्या हुआ? कोई है, वीरेन तो नहीं? बंद करो ये डरना। आज अगर तुमने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई तो तुम्हारी बेटियां अनाथ हो जाएंगी, और कल को वो तुम्हारी बेटियों को बेच खाएगा। उस दिन अस्पताल में तुम पुलिस की पूछताछ के बावजूद चुप रह गई, लेकिन आज तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलकर अपने पति के खिलाफ बयान देना होगा। चलो दीदी मैं तैयार हूँ। चलो दीदी चलो। साहब जी यही वीरेन का घर, तो देर किस बात की, चलो। ए बुढ़िया कहाँ है वीरेन? वीरेन जल्दी बोलो। पता नहीं, इधर क्या हुआ, चलो। Thank you.
वो महात्मा गांधी की जय चिल्लाता था। हरप्रीत के साथ वो लड़का तब तक यही नारा लगाता रहा जब तक वो बेहोश ना हो गया। बाद में वही लड़का उत्तर भारत के आतंकवादी कार्यों में हिस्सा लेने लगा। बेटी, दादी को खाना दिया। आप सबसे पहले दादी को खाना देते हो। बेटी, शिक्षा का कोई फायदा नहीं अगर हम बुजुर्गों को इज्जत ना दे सके। पर माँ। बेटी, दादी मेरे साथ ऐसा नहीं करती अगर वो पढ़ी लिखी होती। माँ, तू यहाँ? हाँ बेटा, कैसा है तू? मुझे तो बर्बाद कर दिया उस डायन देवकी ने। मीनाक्षी जी ने जहाँ एक और मुझे पढ़ा लिखा कर मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा किया, मुझे जीने का नया ढंग सिखाया, वही दूसरी ओर मेरी सर्जरी करा के मेरे चेहरे से जलने का दाग मिटाया। कहते हैं जब नदी का पानी बांध तोड़ के बाहर आता है तो उसे किसी पथ की जरूरत नहीं होती। वो अपनी तेज रफ्तार से जहाँ भी जाता है उसका पथ अपने आप बनता चला जाता है। बहू को गाली मत दे। उसे गाली ना दूं? हाँ बेटा, देवकी तो देवी निकली। कितना बुरा सलूक किया है हमने उसके साथ, तू जानता है? तेरे जाने के बाद उसी ने दोनों वक्त की रोटी भिजवाई और कहा यदि बूढ़ी माँ को भूखा प्यासा रखकर मैं खाना खा लूं तो धिक्कार है मेरी ऐसी शिक्षा पर। ये शक्ति आज हमें शिक्षा ने दी है, अन्याय से लड़ने का हौसला भी दिया है। और एक मैं हूँ जो पोता पोता करती रही अपनी प्यारी प्यारी पोतियों और नेक बहू के मरने की कामना करती रही। हाँ, सोचती हूँ कितना बड़ा पाप किया है हम दोनों ने। अगर आपके मन में सच्चाई घर कर चुकी है तो देर से ही सही, लेकिन जीत मिलेगी जरूर। जीत मिलेगी नहीं, मिल चुकी है। तेरी शराब की लत और मेरे पैसों के लालच की वजह से आज तू इस जेल में है। मेरी बात मान बेटा, बहू से एक बार माफी जरूर मांगना। बस बस